कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भाजपा सरकार से बस इतना ही कहना है, आप इधर उधर की बातें करके कारवा लूट जाने देने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, यह मुश्किल होगा, लोग देख रहे हैं, एक और कंपनी पर पड़ी मंदी की मार और लोग होंगे बेरोजगार। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी साझा की है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के संयंत्र में 17 दिनों तक किसी भी तरह का विनिर्माण नहीं होगा, ऐसे में और लोगों की छटनी होने की बात कही जा रही है। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सुस्त अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बेरोजगार युवा को लेकर दिए गए बयान पर प्रियंका गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मंत्री जी, 5 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुई और जो नौकरियां थी वो भी सरकार द्वारा आर्थिक मंदी के चलते छिन रही हैं। नौजवान रास्ता दिख रहा है कि सरकार कुछ अच्छा करे, आप उत्तर भारतीय का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हालांकि बयान पर फजीहत के बाद संतोष गंगवार ने सफाई दी है। संतोष गंगवार ने कहा, मैंने जो कहा था उसका अलग संदर्भ था, देश में योग्यता की कमी है और सरकार ने इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय भी खोला है। इस मंत्रालय का काम नौकरियों के हिसाब से बच्चों को शिक्षित करना है।